आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रैकोलॉजिस्ट हूं। मैं आज आप लोगों को बच्चों में कीड़ा से होने वाला एलर्जी के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है? कुछ कुछ बच्चे में इंसेक्ट यानी कुछ कीड़ा काटने के बाद, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, कुछ आपका आंट हो यानी चींटी हो, ये काटने के बाद वो जगह में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है। उस जगह में कुछ कुछ रैश निकलने लगता है। कभी कभी इतना ज़्यादा खुजली होता है, बच्चे उसको खुजलाने रहते हैं तो वहाँ पे घाव हो जाता है, और कभी कभी फोस्का हो जाता है यानी वेसिकल्स भी होता है। और खुजली करते करते वहाँ पे हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे पिप निकलने लगता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा घाव हो जाता है, और कुछ दिन के बाद वो सूख भी जाता है और वहाँ पे काला दाग हो जाता है, जिसको लेके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, डॉक्टर को दिखाने आते हैं। तो नॉर्मली ये डर्मेटोलॉजिस्ट पर जब आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट इनको समझाते हैं कि ये कीड़ा के वजह से हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स लोग समझ नहीं पा रहे, समझते ही नहीं है कि नहीं, ये कुछ दूसरा बीमारी हो सकता है, क्योंकि ये बार बार होता है, ये एक बार दो बार नहीं होता है, ये 1.5-2 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। सडनली बच्चा एकदम सही होगा और स्किन में रैश निकलने लगता है, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो ये बार बार होके आपका 10-12 साल की उम्र तक या 13-14 साल की उम्र तक भी रह सकता है, जिसके लिए पेरेंट्स एकदम परेशान होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और डॉक्टर शॉपिंग करने लगते हैं, यानी एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे डॉक्टर से तीसरे से ओपिनियन लेने लगते हैं। तो उनको हम एडवाइस करेंगे कि ऐसा ना करें, ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, ये सिर्फ एक कीड़ा से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसलिए अगर आपका बच्चे को ऐसा होता है तो आप उनको फुल ड्रेस पहनाइए, कवर करके रखिए, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका एक्सपोज एरिया है यानी खुला पार्ट आपका, जहाँ पे हाथ में, पैर में जहाँ पे खुला रहता है, फेस में जहाँ पे खुला रहता है, वो एरिया में कीड़ा काटने के बाद ये चीज़ ज़्यादा पाया जाता है। ये कॉन्टेजियस नहीं है यानी एक से दूसरे को नहीं होता है, ये कोई ऐसा सीरियस वाला बीमारी नहीं है, लेकिन आप अगर लेट करेंगे दिखाने में, हो सकता है वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा घाव ज़्यादा हो सकता है। और एक चीज़ है कि आपको ये डायग्नोसिस पहले कंफर्म करना पड़ेगा। इस अगर ऐसा प्रॉब्लम है, आपके आसपास जो भी नज़दीक में अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर है, उनको दिखाइए, वो उसको कंफर्म करके आपको देंगे डायग्नोसिस को। क्योंकि और भी ऐसा कुछ बीमारी है, जैसे कब का स्किबीज हुआ है यानी जो खुजली वाला बीमारी है, वो भी हो सकता है, उसको आपको एक्सक्लूड करना है कि ये हुआ है कि दूसरा कुछ हुआ है। उसके बाद आपका होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसमें भी आपका बच्चों को सारा बदन में खुजली हो सकता है और कुछ एक्जिमा हो सकता है, कोई वायरल रैश हो सकता है, ये सब कारण से भी ऐसा स्किन में रैशेस आता है। तो आपको पहले इस डायग्नोसिस, ये पॉपुलर अर्टिकेरिया है कि नहीं, इसको डायग्नोसिस करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और डर्मेटोलॉजिस्ट इसको ट्रीटमेंट में क्या देगा? कुछ आपका सूथिंग एजेंट यानी खुजली कम करने के लिए कुछ हो सकता है कैलामिन दे, कुछ मॉइस्चराइजर दे, और वहाँ पे कुछ स्टीरॉयड क्रीम दे सकता है, और स्टीरॉयड के साथ कभी कभी एंटीबायोटिक कम्बिनेशन वाला क्रीम दिया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, पिप हो गया है, तो स्टीरॉयड विथ एंटीबायोटिक कम्बिनेशन क्रीम दे सकते हैं। ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया है तो खाने के लिए भी आपको ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और आपका खुजली कम करने के लिए आपको एंटी हिस्टामिनिक यानी सेट्रिजिन, लिवर सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सिन ऐसे सिरप आता है, वो आपको दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे उम्र के साथ ये बीमारी कम होते जाता है, क्योंकि बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाता है यानी वो कीड़ा दोबारा कटने से इतना एलर्जी नहीं होता है, बॉडी में हार्मोन निकलता लगता है, वो हार्मोन की वजह से स्किन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये आपके माइंड में रखिए, और बच्चे को कीड़े से, मस्कीटो से, मच्छर से यानी दूर रखिए, हमेशा मच्छरदानी यूज करिए, हो सकता है तो मस्कीटो रिपेलेंट जो क्रीम आता है यानी ओडोमॉस हुआ, जो भी आपका क्रीम आता है वो भी यूज कर सकते हैं बच्चों में, लेकिन ये थोड़ा करने से पहले पैच टेस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ क्रीम आपके बच्चे के लिए, छोटा बच्चे के लिए स्किन में रैश भी कर सकता है, एलर्जी भी कर सकता है। तो ये इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ऐसा ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे के साथ शेयर करिए, बाकी ताकि सबके जो दूसरे बच्चे हैं, किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो उनको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिले। और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।